एक मामले में सीबीआई जब सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे उनके खिलाफ, तो उसको मैनेज करने के लिए पहले प्रेमचंद गुप्ता को अपने दूत के रूप में भेजा, बाद में खुद मिले और उन्होंने कहा कि अगर आप मेरा साथ दिए तो हम नीतीश कुमार को धूल चटा देंगे। तो ये उनका ये कहना था कि लालू प्रसाद यादव का बीजेपी से संपर्क होने का जो दावा रहता है कि हम किसी हालत में नहीं मिलेंगे, ये खोखला है। और आज सुशील मोदी के इस खुलासे पर राजद क्या? देखिए, जनता ने मन बना लिया है, एनडीए को विदा करने का जनता पूर्ण रूप से गोलबंद हो गई है। अब ये हार का अपना जो सामने देख करके, जो हार निश्चित है हमारा, इसको देख करके ये लोग अब विधवा विलाप कर रहे हैं। ये कहीं कोई बात नहीं है, किसी तरह का तथ्य नहीं है, तथ्य से सारी बातें परे हैं। ये टोटल एनडीए अपने हार को स्वीकार कर रहा है और हार से बचने के लिए इस तरह का अनर्गल बयान दे रहा है, और ये विधवा विलाप है एनडीए का। इससे ये साबित हो गया है जो एनडीए पूर्ण रूप से खत्म हो रहा है और इसका केंद्र में कहीं कोई सरकार बनने नहीं जा रही है और यूपीए की सरकार बनेगी। और इसके चलते इस तरह का अनर्गल आरोप ये लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी पर और राष्ट्रीय जनता दल पर लगाने का काम कर रहे हैं, ये साबित कर दिया है, जो ये परास्त हो चुका है। कोई एलिगेशन नहीं है, ये बनावटी एलिगेशन है। इस तरह का एलिगेशन तो कोई किसी पर लगा सकता है जो फलाने, इसका क्या तथ्य है, क्या सबूत है, पेश करें। सर प्रणाम।